माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी के द्वारा लिया गया और राज्य के डीजीपी, रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक एसपी एवं डीसी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले दिनों 23 अगस्त को आहूत आक्रोश रैली के कारण झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जाम में घंटों फंसे रहे थे। इस मामले में न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया। सुनवाई के दौरान राज्य के पुलिस महानिदेशक, रांची के उपायुक्त, रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक और रांची के यातायात पुलिस अधीक्षक सशरीर उपस्थित हुए। अदालत में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जाम में फंसे रह सकते हैं, तब आम आदमी का क्या होगा। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए झारखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के बेंच को रेफर किया गया। 23 अगस्त को रांची में आक्रोश रैली के कारण माननीय न्यायमूर्ति के घंटों फंसे रहने को लेकर स्वतः संज्ञान माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी के द्वारा लिया गया और राज्य के डीजीपी, रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक एसपी एवं डीसी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बेंच में रेफर किया गया है और मौखिक टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरक्षित नहीं हैं और वे जाम में फंसे रह सकते हैं, तो आम आदमी का क्या होगा। 23 अगस्त को रांची में आक्रोश रैली के कारण माननीय न्यायमूर्ति के घंटों फंसे रहने को लेकर स्वतः संज्ञान माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी के द्वारा लिया गया और राज्य के डीजीपी, रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक एसपी एवं डीसी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बेंच में रेफर किया गया है और मौखिक टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरक्षित नहीं हैं और वे जाम में फंसे रह सकते हैं, तो आम आदमी का क्या होगा।